डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवात निसर्ग पहले से और ज्यादा तेज हो गया है। हवा की गति 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, जो 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। इसी बाबत मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड के आने की संभावना जताई है। ये तूफानी हवाएं और समंदर में उठने वाली 6 फीट ऊंची लहरें मुंबई को फिर से पानी पानी कर सकती हैं। जाहिर है मुंबई के लिए बुधवार का दिन बेहद भारी है। हालांकि मुंबई निसर्ग की मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है। 80,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से मुंबई पहुंच चुकी हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है चक्रवात निसर्ग के मद्देनजर अपनी ड्यूटी को निभाना। वहीं मुंबई में तूफान से निपटने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए पक्के इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में धारा 144 लागू है। लोगों से सैर सपाटे के लिए समुद्री तटों पर नहीं जाने को कहा गया है। पार्कों में जाने पर रोक है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। एनडीआरएफ के साथ दमकल और सेना भी अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार दमन दीव और दादरा नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहने की आशंका है। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के कई इलाकों और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है। फिलहाल तो तूफान से पहले गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।